जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जितने भी लोग बिहार डीएलएड का एग्जाम दिए हैं 2024 में, तो उन सभी लोगों के लिए फिर से एक जो है नया अपडेट आ चुका है। और ये जो अपडेट है दोस्तों आपका, ये डीएलएड वालों के तरफ से जो है आपका कॉलेज जो है लिस्ट, कॉलेज का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। इसको देखिए हम आपको चेक करने के लिए बताएंगे कि आपके जिले में कितने सीट है और आपके जिले में कौन कौन सा कॉलेज है। तो सभी कॉलेज का जो लिस्ट वो जारी कर दिया है बिहार डीएलएड वालों के तरफ से, ठीक है। तो कितने सरकारी कॉलेज और कितने प्राइवेट कॉलेज है आपके जिले में, कितना सीट है, तो ये सारा जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और किस तरीके से आपको चेक करना है ये भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो पूरा दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि एक भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो सीधा सीधा हम चलते हैं आपको लेकर के कॉलेज के लिस्ट की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों हम दिखाते हैं कि जो है इसमें कौन कौन सा सरकारी और कौन कौन सा प्राइवेट है, ये आपको कैसे चेक करना है और कितने कितने जो है सीट है सभी कॉलेजेस में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके पहले यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2024-26 के लिए संभवतः प्रदत्त सरकारी एवं गैर सरकारी डीएलएड संस्थानों की सूची, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस साइड में पूरा जो कॉलेज का यहाँ पर नाम दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब कोड वगैरह है, जैसे कि कॉलेज का कोड होता है, तो ये सब पर आपको ध्यान नहीं देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आप लोग को, यहाँ पे देखिए सीट के बारे में बताया गया है जानकारी, देखिए सीट स्वीकृत, सीट की संख्या, मतलब कौन से कॉलेज में कितना जो है सीट स्वीकृत हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों आपको 150 सीट आने वाला है, मतलब अलग अलग कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आपका दोस्तों प्राइवेट कॉलेज है इसमें आपका 100 सीट आने वाला है, ठीक है, ये आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूँ, जैसे देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग श्रीनगर पूर्णिया, तो आपको कैसे पहचाना, देखिए ये तो बहुत ज्यादा पीडीएफ है, लगभग ये 18 पेज का पीडीएफ है, इसमें सभी कॉलेज के बारे में बताया गया, ठीक है। आपको कैसे चेक करना है कि मेरा जो है जिला में कौन सा कॉलेज है, सरकारी है या प्राइवेट है, ये सरकारी है या प्राइवेट है और कितना सीट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बतलाता हूँ कि सरकारी या तो प्राइवेट कैसे चेक करना है, कौन सा कॉलेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे, जिसमें भी आपको ये डायट लिखा हुआ मिल जाए ना, डी आई ई टी, ठीक है, क्या है, तो डी आई ई टी, डायट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी वो कॉलेज रहेगा उसका यहाँ पर एड्रेस लिखा रहेगा, जैसे ये पूर्णिया का कॉलेज है श्रीनगर पूर्णिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये प्राइवेट कॉलेज जो दो नंबर में आपको दिख रहा है ना, ये जो है प्राइवेट कॉलेज है, इसमें देखिए कहीं भी आपको डायट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जिसमें भी आपको ये डायट दिखे ना, तो समझ लीजिएगा कि वो सरकारी कॉलेज आपका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे आप सभी लोग, तो ये भी देखिए प्राइवेट कॉलेज है, ये क्या है, तो आपका प्राइवेट कॉलेज है। अब दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर सर्च कैसे मारना है कि आपके जिले के लिए, ठीक है, देखिए ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। अगर इसका हम सीट की बात करें ना, तो देखिए इसमें जो आपका दोस्तों टोटल सीट है वो कितना है, 50-50, 100 है, लेकिन जो गवर्नमेंट वाला होगा देखिए कितना, गवर्नमेंट वाला में 100 इधर है और 50 आपका इधर है, टोटल 150। तो गवर्नमेंट कॉलेज में 150 सीट और प्राइवेट वाला में 100 सीट रहेगा, ठीक है। अब आपके जिले में कितना सीट है और आपके जिले में कितना कॉलेज है, सरकारी है या प्राइवेट है, ये किस तरीके से चेक करना है, तो ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है ना, इस पीडीएफ में आपको क्या करना है दोस्तों, आपके अपना डिस्ट्रिक्ट को सर्च करना है, आपको अपना जिला का नाम यहाँ पर डालना, सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि बात के मतलब अगर मैं पटना सर्च करता हूँ, ठीक है, पटना यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे, देखिए यहाँ पर मैं पटना जैसे ही लिखा तो बहुत सारा जो यहाँ पे दोस्तों आ चुका है कॉलेज का नाम, ठीक है। अब इसमें जो है पटना में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होंगे और बहुत सारे जो है सरकारी कॉलेज होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिसमें भी आपको डायट दिख जाएगा ना, वो समझ लीजिएगा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा, जिसमें भी आपको डायट नहीं दिखेगा तो समझ लीजिए कि उसमें दोस्तों आपका प्राइवेट कॉलेज होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कहीं भी जो है आपको डायट नहीं दिख रहा, तो पटना तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, राजधानी है पूरा बिहार का, तो इसमें तो बहुत सारा कॉलेज होगा आपका प्राइवेट वाला ही, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा मिलना जो है मुश्किल है, मैं कोई और जिला को सर्च कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको फटाफट से जो है मिल जाए। चलिए यहाँ पे मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट को ही सर्च कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं शेखपुरा लिखा ना, यहाँ पर दोस्तों आपको दो कॉलेज आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम पहले कर देता हूँ,
आपको यहाँ ताकि पता चल जाए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग यहाँ पे देखिए बरबीघा शेखपुरा करके दिया हुआ है। एक तो ये आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया, ठीक है, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट, यहाँ पे देखिए डायट दिख गया, यहाँ पे उसका जो नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा शेखपुरा ये वाला था, ये नहीं था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट शेखपुरा। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आपको क्या करना है, अपना जो है जिला का नाम यहाँ पर सर्च मार लेना। ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है यहाँ पर दोस्तों आप अपना जिला का नाम जो है सर्च मार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे शेखपुरा डाला, यहाँ पे पी और से जितना भी था आ गया पूर्णिया, भागलपुर, देखिए भागलपुर है, इस तरीके से सभी यहाँ पे जिला का यहाँ पे आपको दोस्तों दिख जाएगा। जैसे कि बांका में है, ये सरकारी कॉलेज है, इसमें देखिए सरकारी कॉलेज में 150 सीट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको पूरा जानकारी, अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना नंबर चाहिए इसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं, और प्राइवेट के लिए कितना आना चाहिए और आंसर की तो जारी हो ही चुका, आप सब लोग देख लिए होंगे, दोनों का लिंक डाल दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे अगर हम बताएं दोस्तों उसमें देखिए पिछला वाला जो मेरा वीडियो जो बनाया है उसमें पूरा जो है 2023 को लेकर के भी बात किया है। अभी ऐसे अगर हम बात करें तो जिसका 80+ है ना तो वही लोग आशा रखेंगे दोस्तों कि हमको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको किस तरीके से अपना जो है जिला में चेक करना है कि आपका जो है कितना प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज है, कितना सीट है, तो ये मैंने पूरा जानकारी आपको बताया। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।